फाइव क्लास बेटा, जब यूनिट नंबर वन जो है उसको स्टार्ट करेंगे एंड डैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहले इसके की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन किंगडम बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, एनिमल, प्लांट, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें वर्टीब्रेट इनवर्टीब्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, फिर हम देखेंगे मोनोकोट डाइकोट प्लांट, और लास्ट में हम देखेंगे कि मोनोकोट डाइकोट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। क्लासिफिकेशन मीन सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। अब क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा क्या होता है कि चीज़ों को उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर या उनके डिफरेंस की बुनियाद पर उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। यही आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे आप नीचे एग्जांपल आपको नजर आ रही है, सबसे पहला जो कटलरी की दी है उनमें सारी की सारी आपकी मेटल्स हैं, सेकंड आपका बुक्स का ग्रुप है, और थर्ड हमारा फ्रूट का ग्रुप है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन क्या होती है? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम उनकी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब आपको पता है लिविंग थिंग्स जो होती है क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग हो जाती है, हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको प्रॉपर एक नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका यू नीड टू नो द बॉडीज ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड सेल। ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, जिनकी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट जो हैं वो क्लासिफाई किया हुआ है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे आपको नीचे नजर आ रहे हैं किंगडम और साथ में उनकी एग्जांपल, जैसे पहला है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, और आगे उनकी एग्जांपल है। इस तरह ही आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, नेम किंगडम विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मोनेरा है, मोनेरा में बैक्टीरिया आएगा, प्रोटिस्टा में एल्जी, फंजाई में ईस्ट और मशरूम, एनिमेलिया में एनिमल्स, प्लांटी में प्लांट्स। अब वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अपने लिए पूरा पूरा खुद फूड जो है वो बना सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अपनी फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या डेड बॉडी से लेते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एल्जी। एल्जी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं, क्लोनियल भी होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये हर जगह पॉन्ड, लेक, सी में पाए जाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ऐसा मटेरियल होता है जो प्लांट्स के अंदर उनको एक तो ग्रीन कलर देता है, और दूसरा क्या करता है, उनको प्लांट को फूड बनाने में हेल्प आउट करता है। अगर तो प्लांट में क्लोरोफिल का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अपनी फूड बिल्कुल भी नहीं बना पाते। इसी वजह से क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से अपनी फूड खुद बना पाते हैं। इनकी एग्जांपल में क्ले मैडमोनास, वॉलबॉक्स, स्पाइरोजा आते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा फंजाई। फंजाई जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और फिलामेंटस मतलब धागों की फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो इस वजह से अपनी फूड जो खुद नहीं बना पाते। ये क्या करते हैं, अपनी फूड एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे डेड पार्टिकल से। इसकी बेटा एग्जांपल में आ जाते हैं ईस्ट, राइजोपस, मशरूम। ठीक है, ये फंजाई में आ जाते हैं। ईस्ट जो है वो राइजो माइक्रोस्कोपिक फंजाई होता है, और राइजोपस ब्लैक ब्लड मोल्ड है जो कि मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। जो मशरूम है अम्ब्रेला शेप होता है, और ये जो है हीप ऑफ डंग या डेब्रिस वगैरह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी अपनी फूड जो है वो खुद नहीं बना पाते। ये क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। इस तरह जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपनी फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स की। सबसे पहले आते हैं हमारे वर्टीब्रेट्स। वर्टीब्रेट्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है। ठीक है जी, 47,000 के करीब डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टीब्रेट हैं अर्थ के ऊपर। उनको फाइव क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मैमल्स। मैमल्स में हमारे बेटा काओ, गोट, हॉर्स, टाइगर और ह्यूमन बींग्स आते हैं, रैबिट आते हैं। ठीक है जी, मैमल्स होते हैं इनके अंदर हेयर और फर्स होते हैं, और इनके जो बेबीज होते हैं वो मदर के मिल्क पे फीड करते हैं। नेक्स्ट आपकी बेटा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे उन्होंने बताई है द क्वांटिटी ऑफ हेयर एंड फर ऑन द बॉडी ऑफ मैमल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द एनवायरनमेंट, कि जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस तरह उनके उनके ऊपर जो हेयर या फर है उनकी अमाउंट डिपेंड करती है। अब जो पोलर बियर है वो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है, इसी वजह से उनकी जो फर जो उनके बाल होते हैं वो काफ़ी हार्ड मतलब ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, जो उसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। इस तरह जो एलिफेंट है वो होट क्लाइमेट में रहता है, उसकी जो होती है कवरिंग ऊपर आउटर जो कवरिंग होती है वो थिक थिन होती है, पतली सी होती है। अब जो वेल डॉल्फिन होते हैं वो मैमल्स होते हैं। ब्लू फेल जो होता है वो सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट वर्ल्ड एनिमल होता है, 35 मीटर लॉन्ग होता है और 120 टन होता है वेट में। इंडस प्लान डॉल्फिन और जो जिसको इंडस प्लान डॉल्फिन जो होता है वो भी एक रिवर डॉल्फिन है पाकिस्तान का, और वो भी हर जगह दुनिया में नहीं पाया जाता। ह्यूमन मंकी और जो गोरिल्ला और चिंपैंजी होते हैं ये इंटेलिजेंट मैमल्स में पाए जाते हैं, और ये हाईली डेवलप्ड इनके अंदर ब्रेन होता है। जो बैट होता है वो फ्लाइंग मैमल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे बर्ड्स। बर्ड्स बेटा आपको पता है जैसे रॉबिन, हैंस, डॉव, पैरट, ये सारे हमारे बर्ड्स में आते हैं। इनके होलो बोन्स होती हैं, एयर सैक्स होते हैं,
ठीक है, इनकी बॉडी जो है काफ़ी लाइट होती है इन्हीं होलोबोन्स की वजह से। कुछ बर्ड जैसे कि कीवी और ऑस्ट्रिच होते हैं वो फ्लाई नहीं कर पाते, उनको हम रनिंग बर्ड बोलते हैं। बर्ड्स जो होते हैं अपने एग्स जो होते हैं वो शेल्स के साथ देते हैं, जो आउटर उनका वाइट कलर का होता है। एग्स जो होते हैं वो नेक्स्ट फेज में कन्वर्ट होते हैं बेबी बर्ड्स में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ओल जो है वो बिकॉज वाला होता है बर्ड होता है, कीवी और ऑस्ट्रिच होते हैं वो रनिंग बर्ड होते हैं, डक जो होता है वो स्विमिंग होता है, पेंगुइन जो होता है वो क्या करता है राइस के ऊपर रहता है आइस के ऊपर, वुडपैकर जो होता है वो ट्रीज़ के अंदर होल्स बनाता है, हमिंग बर्ड जो होता है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है दुनिया का, ईगल जो है वो टॉल ट्री पर रहता है और क्लिफ्स पर रहता है, और ये उसी लेक या रिवर वगैरह के नज़दीक अपना घोंसला बनाते हैं। हॉक जो होता है वो क्या करता है प्रे मतलब शिकार करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर आते हैं, ठीक है जी। इनकी ड्राई, थिक और स्केली स्किन होती है जो कि इनकी बॉडी को कवर करती है। इसके अलावा ये एग देते हैं लैंड के ऊपर, इनके जो एग होते हैं उनकी थिक लैदरी शेल्स होती हैं जो कि इनको ड्राई होने से बचाते हैं। और कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं उनके फोर लिम्स होते हैं, लेकिन स्नैक के लिम्स नहीं होते। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, डू यू नो डायनासोर वर द बिगेस्ट रेप्टाइल इन द एंशियंट टाइम, दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। नेक्स्ट आते हैं हमारे एम्फीबियंस। टॉड, फ्रॉग, सेलामेंडर बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। इनके फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, ये वाटर पर रहते हैं और लैंड दोनों पे रहते हैं। लंग्स और स्किन के जरिए सांस लेते हैं। इनके अंदर लूज और वेट स्किन होती है जो कि अपना डल लाइफ जो है वो ज़्यादातर लैंड पे गुजारते हैं, और अंडे देने के लिए क्या करते हैं वाटर पे चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। इनके एग्स होते हैं इस तरह जैसे जाली के अंदर बीड्स वगैरह नहीं होते उस तरह के नज़र आते हैं, और सॉफ्ट होते हैं और इनके ऊपर कोई हार्ड शेल नहीं होता। डू यू नो इन विंटर एम्फीबियन बरी देमसेल्व इन द मड एंड स्लीप अ लॉन्ग टाइम टू कीप देमसेल्व सेफ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। के जो विंटर में एम्फीबियंस होते हैं अपने आप को उसके अंदर मड के अंदर बरी कर लेते हैं, अंदर मतलब कह लें अपने अंदर बिल्कुल मड के अंदर अपना घोंसला टाइप घर बना लेते हैं और वहीं पर रहते हैं जब तक कि उनकी जो क्लाइमेट होता है वो विंटर वगैरह ज़रा उनका जो क्लाइमेट जिस पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो जब तक गुजर नहीं जाता तब तक वो वहीं पे रहते हैं मिट्टी में। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे फिशेज़। फिशेज़ होते हैं 25,000 डिफरेंट काइंड की फिशेज़ होती हैं, ठीक है, वाटर में रहती हैं, स्टिंग लाइन बॉडी होती है जो कि इनको हेल्प करती है स्विम करने में। इसके अलावा इनके फिन्स और टेल्स होते हैं, और इनके ऊपर स्केल्स होते हैं स्किन के ऊपर जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इनके गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, और ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स वो वाले जिनकी बैकबोन नहीं होती। अब इनमें आ जाते हैं इंसेक्ट, स्नैक, स्टारफिश एंड वर्म्स। सबसे पहले आते हैं हमारे इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इनकी सेगमेंटेड बॉडीज होती है। इसमें बटरफ्लाई, कॉकरोच, बी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। इनके थ्री पेयर ऑफ बॉडी होते हैं, फर्स्ट वन होता है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। सिक्स लेग्स होते हैं थ्री पेयर यानी के, और इनके हार्ट स्केलेटन होता है जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्म्स। वर्म्स होते हैं बेटा ये भी इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनकी बॉडीज होती हैं सॉफ्ट होती हैं, इनके कोई लिम्स नहीं होते, ठीक है, स्नेक लाइक बॉडीज होती हैं इनकी। अर्थवर्म जो टेपवर्म है वो वर्म है जिनकी बॉडीज होती हैं सेगमेंट में डिवाइड होती हैं, सेगमेंट मतलब पार्ट्स में। और जो हमारे फ्लैटवर्म, राउंडवर्म होते हैं उनकी सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी, स्टारफिश एंड सी एनिमोन आर द एग्जांपल ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले आते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर होंगे उनको फ्लावरिंग बोलेंगे। इनके लीव्स होते हैं फ्लावर के, उनको फ्लोरल लीव होते हैं। आउटर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम बोलते हैं सेपल, और जो कलरफुल उनकी पत्तियां होती हैं मतलब होती हैं कलरफुल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। देर इज़ अ यंग प्लांट एवरी सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो जो है वन या टू सीड लीव्स होते हैं, इसको कोटिलेडन बोलते हैं। कोटिलेडन जो होता है वो फूड स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे मोनोकॉट। मोनोकॉट वो वाले प्लांट हैं जिनके अंदर सिर्फ वन कोटिलेडन होता है, ठीक है। एग्जांपल इसकी वीट राइस आ जाती हैं, इनकी वेन्स होती हैं पैरेलल होती हैं, और ये थ्री और ये थ्री मल्टीपल्स होते हैं थ्री के अमाउंट में। डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो उनमें आपके टू कोटिलेडन मौजूद होते हैं, ठीक है। डाई का मतलब होता है टू, इसमें रोज पी बीन आ जाते हैं, ठीक है। इनकी जो फेन्स होती हैं वो नेटवर्क की फॉर्म में होती हैं, और ये इनके जो होते हैं लीव्स होते हैं वो फोर या फाइव और इनके मल्टीपल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होंगे, इनमें कॉनिफर, फर्न्स, मॉसेस, लिवर बर्ड्स आ जाएंगे। कॉनिफर्स होते हैं उनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, और ये सीड के जरिए डिवेलप करते हैं, कॉन्स के अंदर उसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। लीव्स होते हैं फर्न्स के, वो डिवाइड होते हैं लीफलेट्स में, आगे उनकी फर्दर लीव से आगे फर्दर डिवाइडेशन होती है छोटी छोटी पत्तियों में। इसके अलावा जो फर्न्स होते हैं वो स्पोर डिवेलप करते हैं और उसके जरिए डिवेलप होते हैं। मॉसेस और लिवर बर्ड्स होते हैं उनके अंदर सिंपल स्टेम और टिनी लीव्स होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के जरिए जो उनके कैप्सूल के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, लिजर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल, दैट इज रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हमारा एन एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स, एंड द आंसर इज कॉकरोच, फिश ब्रीथ, फ्रॉग, गेल्स। व्हाट इज ट्रू अबाउट वर्टिब्रेट्स, ऑल हैव बैकबोन।
नंबर ऑफ कोटिलेंडर इन पी सी डी इज टू. फर्न्स प्रोड्यूस बाय स्पोर डिवेल्प ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. इस तरह बेटा आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे मैच द पिक्चर विद द वर्ड गिवन बिलो. मोनोकोडाइकोट एल्जी फंजाई इंसेक्ट मब. इसके अकॉर्डिंग पिक्चर के अकॉर्डिंग बेटा आप इनमें मैंशन करेंगे इनके नाम कौन कौन से हैं जैसे आप देख रहे हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं रिटन रिटन वर्क की तरफ. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. आंसर आएगा ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज एसेंशियल फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजियर. इट आल्सो हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर मैमल्स. मैमल्स हैव हेयर एंड फर ऑन देयर बॉडीज. बेबीज ऑफ मैमल्स आर फेड ऑन मदर्स मिल्क. What are insect? Insect are invertebrate with jointed legs. Insect have three pair of legs. Next is what are cotyledon? There is a young plant in every seed of flowering plants called coembryo. Embryo bear one or two seed leaves called cotyledon. Next बेटा हमारा क्वेश्चन है गिव characteristics of the following. सबसे पहले birds आते हैं. Birds are vertebrate and have feathers, wings and beaks. They have hollow bones and air sacs which make their bodies very light. Birds lay egg with shell. Eggs hatch into baby birds. Example egg is sparrow, crow, parrot, hens. Reptiles are next हमारा. Reptiles are vertebrates and have dry, thick and scaly skin which protect their body. They lay egg on land. Their eggs have thick leathery shells which prevent them from getting dry. Most reptiles have four limbs. एग्जाम्पल आएगी लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल इत्यादि. नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर वर्टिब्रेट्स एंड हैव फोर लिम्स. एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन. मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर एडल्ट लाइफ ऑन लैंड एंड रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स. एम्फीबियंस एग्स लुक लाइक बीयर्स इन जेली. एग्जाम्पल्स में आएगा टोड एंड फ्रॉग. नेक्स्ट हमारा फिशेज. फिशेज देयर आर 25,000 डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प देम टू स्विम. They live in water. They have streamlined bodies which help them to swim fast in water. They have gills to breathe. Next beta hamara topic aata worms ka. Worms are invertebrate soft bodies having no limbs. Most of them have elongated snake like body. Earthworm and tapeworm are the worm with segmented bodies. Flatworm and roundworm are the worm without segmented bodies. Next hamara algae. Algae are unicellular, clunier, multicellular organism. They are found in lake, pond, sea, etc. They have chlorophyll and can make their own food by photosynthesis. Example mein aayega clay mud monas, volvox and spirozara. नेक्स्ट आता है हमारा फंजाई. फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म. ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. ईस्ट राइजोपस एंड मशरूम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई. लास्ट हमारा है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड बट सम गेट फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज. मोस्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. सब फर्स्ट वन इज वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. सबसे पहले वर्टिब्रेट को डिस्कस कर लेते हैं. दे हैव बैकबोन. दे हैव इंटरनल स्केलेटन. दे आर क्लासिफाइड इनटू फाइव ग्रुप्स सच एज फिशेज, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन मैमल्स. दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब्स. नेक्स्ट आता है इनवर्टिब्रेट. दे डू नॉट हैव बैकबोन. दे डू नॉट हैव इंटरनल स्केलेटन. दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स सच एज वर्म्स एंड इंसेक्ट. दे हैव थ्री और मोर लिम्ब्स इफ प्रेजेंट. नेक्स्ट आता है बेटा हमारा फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. दे बियर फ्लावर्स. फ्लावरिंग आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन इट. दे डिवेल्प सीड इन देयर फ्रूट. दे आर क्लासिफाइड इनटू मोनोकोट एंड डाइकोट. नॉन फ्लावरिंग का डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आएगा हमारा दे डू नॉट बियर फ्लावर. सीड आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन इट. दे डिवेल्प सीड्स इन देयर ओव्यूल्स. दे इंक्लूड कॉनिफर, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. द नेक्स्ट वन इज मोनोकोट एंड डाइकोट. Their seed have only one cotyledon. Their leaves have parallel veins. They have three or multiples of three floral leaves. Dicot mein aega, their seeds have only two cotyledon. Their leaves have network-like veins. They have four, five or their multiples of floral leaves. Next question is, what do you know about dinosaur, whale and dolphin? Answer is, dinosaurs were the biggest reptile in the ancient time. They do not exist anymore. Whale and dolphin are mammals. Blue whale is the world's largest whale. Indus plain dolphin is a river dolphin of Pakistan. इस तरह बेटा आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, रफ कॉपी के ऊपर उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने एमसीक्यूज की और क्वेश्चन आंसर्स की.